हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड हैं हमारे, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं। आपने जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए गाइज, उसमें देखा होगा कि परियोजना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस वीडियो में सारे कवर अप किए गए हैं गाइज। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे 2020 के कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन की टाइप में ना होकर जो क्वेश्चन किए हुए हैं, जो भी करंट अफेयर हैं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, वो सारी इसमें कवर अप की गई हैं। फर्स्ट है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 21 अक्टूबर 2020 को डोईवाला क्षेत्र के माजरी ग्रांड ग्राम में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का क्या किया, शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको ये समझना है, आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा कब शुरू की गई। तो कब शुरू की गई, 21 अक्टूबर 2020 को। अगर गांव पूछे गाइज, तो हो जाएगा डोईवाला क्षेत्र के माजरी ग्रांट गांव से। ठीक है, किसने लॉन्च की, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। सेकेंड है आपका, बद्रीनाथ के निकट स्थित बद्री वन का विकास किसके द्वारा किया गया। तो बद्री वन का विकास किसने किया, ये सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गाइज, ये जो बद्री वन बनाया गया है, ये बनाया गया है वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा, और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, हल्द्वानी में। तो वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के प्रयासों से बद्रीनाथ के निकट हाईवे के किनारे लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में बद्री वन का विकास किया गया है। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, देखिए, एक तो स्टैटिक जीके से यही बन जाएगा, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो हल्द्वानी में स्थित है। बद्री वन कहाँ पर बनाया गया है, बद्रीनाथ के पास। कितने क्षेत्रफल में बनाया गया है, तो इस परियोजना में गाइज 1 एकड़ क्षेत्र लगा है जिसके अंदर इसको विकसित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में कश्मीरी केसर की खेती का प्रारंभ किया गया। तो गाइज, अभी तक आपने सुना होगा जो कश्मीर में होती है हमारी क्या, केसर की खेती। अब भारत का दूसरा राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, जहाँ पे कश्मीरी केसर की क्या की जाएगी, खेती की जाएगी। अब ये हुआ क्या था, 18 अक्टूबर 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई सरकार के द्वारा, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण शोध संस्थान कोसी कटारमल में सफल प्रयोग के बाद सर्वप्रथम राज्य के अल्मोड़ा जिले में कश्मीरी केसर की खेती शुरू की गई। देखिए, अब आपको गाइज डायरेक्ट जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछ सकता। आप यहाँ एग्जाम खुद आप क्वेश्चन निकालोगे। पहला पंत, ठीक है, जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कोसी कटारमल में स्थित है। यहीं पर सबसे पहले इसका सफल परीक्षण किया गया कि क्या उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस केसर की खेती के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो जिला अगर पूछता है डायरेक्टली, तो जिला हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। ठीक है, कश्मीर के बाद उत्तराखंड में केसर की खेती की जा रही है, तो सबसे आपको पता ही है केसर के लिए अभी इसको क्या मिला है गाइज, कश्मीरी जो केसर है इसे जीआई टैग भी मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने देहरादून स्थित राज्य विधानसभा परिसर में स्थापित 101 फीट ऊँचे तिरंगे का ध्वजारोहण 16 अक्टूबर 2020 को किया। देखिए, 3-4 हैं हमारे झंडे जो कि जिनकी हाइट ज़्यादा आती है। पहला क्या है, देखिए, 101 फीट ऊंचा विधानसभा भवन 16 अक्टूबर 2020 को विधानसभा अध्यक्ष कौन है, प्रेम चंद्र अग्रवाल, इनके द्वारा क्या किया गया, 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इससे पूर्व की बात करें गाइज, 31 मार्च 2018 को हल्द्वानी के शहीद पार्क में 155 फीट ऊंचा राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित हो जाएगा, हल्द्वानी के शहीद पार्क में। इसकी ऊंचाई है कितनी, तो 155 फीट ऊंचा है ये। नेक्स्ट है देखिए दूसरा, 16 मार्च 2018 को उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून में 131 फीट ऊंचा, ठीक है, यहां पर फहराया गया था। तीसरा, 26 जनवरी 2018 को इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा में, ये कितना गाइज, 153 फीट ऊंचा। तो कुमाऊं में ही दोनों ऊंचे झंडे लगे हैं, एक आपका हल्द्वानी में 155 फीट ऊंचा है, दूसरा सेकंड नंबर का अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 153 फीट ऊंचा है।
झंडा चौक कोटद्वार की बात करें गाइस, तो यहाँ पर 100 फीट ऊंचा सुभाष चौक जसपुर में 111 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जा चुका है। देश की बात करें अगर, तो देश का सबसे ऊंचा 303 फीट तिरंगा बाघा बॉर्डर पर फहरा रहा है। ठीक है, बाघा बॉर्डर या आपका पड़ेगा पंजाब के पास, तो वहाँ पर हमारे देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराता है। कितना फीट ऊंचा है? 303 फीट ऊंचा। तो इतना हो गया गाइज यहाँ पर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से जो क्या बन सकता है, प्रेमचंद अग्रवाल ने किस स्थान पर ध्वजारोहण किया 101 फीट ऊंचे तिरंगे का? तो आपका राज्य विधानसभा परिसर में। ठीक है, सबसे ऊंचा झंडा कहाँ पर है अगर इतना पूछ रहा है, तो तब आप बोलोगे हल्द्वानी के शहीद पार्क में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं गाइज, तो व्हाट्सएप ग्रुप है 8218642689। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होता है स्टडी से रिलेटेड, कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए, वो आप सब इस पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं गाइज, तो ऑफलाइन बैचेस में भी रुद्रपुर में जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कौन से वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रामसर साइट में उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन जो कि कहाँ पे स्थित है, देहरादून में स्थित है, इसे अभी रामसर साइट में सम्मिलित कर दिया गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 440.40 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल है। अक्टूबर 2020 में रामसर साइट में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। डेट याद रखनी है आपको, अक्टूबर 2020 में रामसर, ठीक है, आसन जो कंजर्वेशन है देहरादून में स्थित है, इसको रामसर साइट में क्या कर दिया गया है गाइज, सम्मिलित कर दिया गया है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 12 अक्टूबर 2020 को किसे जेपी इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया गया? देखिए, जेपी इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया, फेमस क्वेश्चन बन सकता है। तो जेपी इंटरनेशनल अवार्ड ये मिला है डॉक्टर अनिल जोशी जी को। कब दिया गया? 12 अक्टूबर 2020 को। यह दिया क्यों जाता है गाइज, जय प्रकाश नारायण अध्ययन विकास केंद्र की ओर से इसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। डॉक्टर अनिल जोशी को इस बार 2020 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस तिथि से प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जस्ट लॉकडाउन के बाद ये स्टार्ट की गई थी गाइज। डेट याद रखनी है आपको, क्योंकि उत्तराखंड में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं आपको। डायरेक्ट डेट 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि डायरेक्ट डेट पे बेस्ड होते हैं। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब लागू हुई? 8 अक्टूबर 2020 से। अब इसमें है क्या, देखिए, इस योजना के तहत उद्यमी अपने निजी या लीज की ज़मीन पर ग्रिड संयोजित 25 किलोवाट तक का सोलर विद्युत प्लांट स्थापित कर लाभ कमा सकते हैं। मतलब अगर आपकी ज़मीन है तो ठीक है, नहीं तो आप लीज पे लेके, ठीक है, क्या कर सकते हो, 25 किलोवाट तक की बिजली का उत्पादन कर सकते हो। इस योजना के तहत लगभग 1000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का। और इसी को क्या बोला गया गाइज, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का ही क्या है, एक अंग है, ये याद रखना है आपको, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का अंग है ये आपका। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का दूसरा साइबर थाना 8 अक्टूबर 2020 को कहाँ खोला गया? तो देखिए, दूसरे थाने की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा उत्तराखंड में अभी केवल 2 साइबर थाने हैं। सबसे पहला गढ़वाल मंडल में खोला गया था, और गढ़वाल मंडल में कहाँ पे, देहरादून में। सन याद रखना है आपको 2015, मार्च 2015 में देहरादून में। तो अगर पूछे उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कौन सा है, तो देहरादून 2015 में खुला था। दूसरा अभी वर्तमान में ही खोला गया है, कहाँ पे गाइज, कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर में, और रुद्रपुर किस जिले के अंदर आता है, यूएस नगर के अंदर, उद्धम सिंह नगर के अंतर्गत। तो कुमाऊं का पहला अगर पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछेगा, गढ़वाल का पहला पूछे, उत्तराखंड का पहला पूछे, तो आपका आंसर होगा देहरादून। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कुमाऊं का पहला, तो कुमाऊं के पहले में आंसर क्या आ जाएगा, रुद्रपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भाषा संस्थान खोला जाएगा गाइज अभी जिस क्षेत्र को उत्तराखंड की क्या बनाया गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गैरसैंण हो जाएगा। 6 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी क्या की थी, घोषणा की थी। तो
तो कब भाषा संस्थान खुलेगा कहाँ, आपको बस ये याद रखना है गैरसैंण चमोली में ये स्थित है। अगला है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन में कौन सा नया स्टेशन जोड़ा गया है। तो पहले ये गाइज 12 स्टेशन थे, लेकिन हाल ही में एक स्टेशन को बढ़ा दिया गया है, तो अब कुल स्टेशनों की संख्या कितनी हो गई है, 13 हो चुकी है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो 13वां स्टेशन बड़ा है ये कौन सा बड़ा है, पौड़ी गढ़वाल का जनासू। तो एक जनासू रेलवे स्टेशन आपका क्या हो जाएगा, इस परियोजना में बढ़ जाएगा। पहले 12 थे तो आप कितने हो गए, 13। 13 हैं कौन कौन से ये देख लेते हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर के रेल पथ में अब 12 के बजाय 13 स्टेशन होंगे। 5 अक्टूबर 2020 को जारी स्टेशनों की सूची के अनुसार 13 स्टेशन कौन कौन से हैं देखिए, वीरभद्र है, योग नगरी ऋषिकेश हो गई, शिवपुरी, व्यासी, देवप्रयाग, जयनासू, मलेथा, चौरास श्रीनगर में जो है, धारी देवी, सुमेरपुर रुद्रप्रयाग में, धौलतीर, गोचर व सेवई कर्णप्रयाग में जो स्थित है। ये 13 स्टेशन है, इन 13 स्टेशन में क्या होगी, जो ट्रेन है वो रुक के जाएगी। अगला अगर बात करें, देहरादून टिहरी पौड़ी रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों से गुजरने वाले इस रेलमार्ग में कुल 16 पुल व 17 सुरंग होंगी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हाई लेवल का बन रहा है, कितने जिलों से ये परियोजना होकर जा रही है ये आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं, देहरादून है, टिहरी पौड़ी रुद्रप्रयाग और चमोली, तो कितने जिले हो गए देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 जिलों से ये परियोजना जाएगी, जिसके अंतर्गत 16 पुल हैं, 17 सुरंग हैं, और जो सबसे लंबी सुरंग है वो देवप्रयाग से जनासू के बीच 14.5 किलोमीटर की होगी। और ये है क्या गाइज, डबल ट्यूब की सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। अगर ये बन जाती है, बन के तैयार होने के बाद 14.5 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर होगी, उत्तराखंड में। किसको किससे जोड़ेगी, तो देवप्रयाग को जनासू से ये जोड़ेगी। बढ़ते हैं अगले पे गाइज, वीडियो को गाइज प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे कवरअप होंगे इसमें 2020 के। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अटल आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में प्रत्येक ब्लॉक से कितने राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन आदर्श विद्यालय के रूप में किया जाएगा। तो अभी उत्तराखंड की सरकार ने आदर्श विद्यालय के रूप में चयन करने का निर्णय लिया है इंटर कॉलेज को। तो इसमें क्या है, एक ब्लॉक से 2 इंटर कॉलेजों का चयन किया जाएगा, और इनको क्या किया जाएगा गाइस, आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इन आदर्श विद्यालयों की खास बात क्या होगी, यहाँ पे जो स्टडी का माध्यम होगा वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों माध्यमों में यहाँ पर विद्यार्थियों को परीक्षा पढ़ाया जाएगा। शुरुआत कब से, तो 5 अक्टूबर 2020, ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबो जो कि पौड़ी जिले में स्थित है को सामुदायिक शौचालय में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो गाइज, पाबो आपका जगह है और कहाँ पे पड़ती है, पौड़ी गढ़वाल में। इसको अभी सामुदायिक शौचालय में राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान मिला है। तो आपको नाम, एक तो नाम याद रखना है, पाबो कौन से ज़िले में है, पौड़ी गढ़वाल में है, सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, पाबो और पौ से पौड़ी, 3रा स्थान मिला है। पहले स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र को, दूसरा स्थान कौन किसको मिला है, उड़ीसा, किसके अंदर, सामुदायिक शौचालय में। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक प्रोफेसर खड़क सिंह वालदिया जी का निधन हो गया, इनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से था। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, खड़क सिंह वालदिया का संबंध है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, खेल से, साहित्य से, वैज्ञानिक से, इस टाइप से। तो याद रखना है आपको, खड़क सिंह वालदिया का संबंध किससे था, वैज्ञानिक से था, भूवैज्ञानिक थे, पिथौरागढ़ खेनाल गांव से गाइज इनका संबंध था। निधन इनका हुआ है 28 सितंबर 2020 को, 83 एज की आयु में। नेक्स्ट है, देखिए 1983 में इन्हें प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य बनाया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो इनका निधन हुआ 2019 में, ठीक है, 2020 में सॉरी, तो निधन जब हुआ गाइस, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति का एक सदस्य था, और अगर वहाँ ऑप्शन में है क्या, खड़क सिंह वालदिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य अर्थ एवं संख्या निदेशालय की ओर से 26 सितंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में
आर्थिक विकास दर 2019-20 में कितनी रही। तो गाइज आर्थिक विकास रिपोर्ट आती है तो 26 सितंबर को ये आई थी, 2019-20 की जो आर्थिक विकास दर रही इंडिया उत्तराखंड की वो कितनी रही, 4.30% रही। अगर बात करें 2018-19 की तो 2018-19 में ये थी 5.80%। ऑब्वियसली बात है 2019-20 में इसे गिरना ही था, क्यों ठीक है 20 वाले में, क्योंकि कोविड आ चुका था तो पूरे देश में इसकी मार पड़ी थी, आर्थिक विकास रेट हमारा देश की भी गिरी थी। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो आपको याद रखना है 1.5% की कमी हुई है आर्थिक विकास दर में 2018-19 की तुलना में। और ये दोनों फिगर तो याद ही रखने हैं, लेटेस्ट जो आर्थिक विकास दर है वो 4.30% है, उससे पहले 5.80 थी, कितने की कमी आई है तो 1.5% की कमी आई है। नेक्स्ट है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। ये थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन अजीब लगी गई कि महामारी आई हुई है उसके साथ प्रति व्यक्ति आय कम होने की बजाय ये 2018-19 की अपेक्षा कम बढ़ चुकी है, ठीक है। तो डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें जो वृद्धि का अनुमान है वो है 5.98%, मतलब इतनी जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है उत्तराखंड के लोगों की। तो अच्छी रिपोर्ट है अगर ये रियलिटी में बढ़ी हुई होती तो। 2019-20 की बात करें गाइज तो आप देख सकते हो ये थी 2,98,000, लेकिन 2018-19 की बात करें तो ये थी 1,91,450। तो ऑब्वियसली बात है 2020 में ये क्या हुई है, बढ़ी हुई है, कितनी बढ़ी हुई है, 5.98% बढ़ चुकी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अम्ब्रेला एक्ट जो 23 सितंबर 2020 को राज्य विधानसभा में पारित किया गया का संबंध किससे है। अच्छा क्वेश्चन है, अम्ब्रेला एक्ट सबसे पहले शिक्षा से ही संबंधित है और शिक्षा में भी विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए अम्ब्रेला एक्ट को क्या किया गया गाइज, पारित। कब किया गया पारित, 23 सितंबर 2020 को राज्य विधानसभा में इसे क्या किया गया है, पारित किया गया है। कुलपति का पद केवल शिक्षाविदों के लिए ही सीमित नहीं रहेगा, जितने भी आपके विश्वविद्यालयों में कुलपति होते हैं वो अब केवल शिक्षाविद नहीं होंगे, वो किसी और फील्ड से भी उनको रखा जा सकता है, इस एक्ट में इसके बारे में बताया गया है। अब जैसे अदर क्या हो सकते हैं, अपर मुख्य सचिव रैंक के वरिष्ठ IAS, उद्योग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक जो हैं ये सभी किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति की पोस्ट पर जा सकते हैं, सिंपल सी इतनी बात है। तो अम्ब्रेला एक्ट का जो संबंध है वो विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखिए अभी तक अगर आपने डिग्री अगर कभी ली होगी उत्तराखंड UTU से, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो ये नाम अब चेंज हो चुका है और ये चेंज होकर क्या कर दिया गया है, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय देहरादून। तो माधो सिंह भंडारी के नाम पर जस्ट ये कर दिया गया है, इतना आपको याद रखना है। डेट की बात करें तो डेट याद रखनी है गाइज 23 सितंबर को, ठीक है 23 सितंबर 2020 को तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया है। अब अधिनियम भी पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय अधिनियम कौन से में संशोधन किया है, तो 2005 अधिनियम में क्या किया गया है, संशोधन, और उसी में नाम को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत या कौन से भाग के अंतर्गत, दोनों बताइए, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि राज्यों का नाम चेंज, किसी जगह का नाम अगर चेंज करना हो तो कौन सा आर्टिकल बताता है और आर्टिकल में भी कौन सा पार्ट बताता है। नेक्स्ट है वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने तपोवन जोशी मठ के गर्म जल स्रोतों पर 5 मेगावाट के जियो थर्मल एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु किस कंपनी के साथ MOU किया है। तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान, वाडिया संस्थान कहाँ है, तपोवन जोशी मठ, ये तो देहरादून पे पड़ेगा, लेकिन जो MOU किया है इसने किया क्यों है, जोशी मठ में जो गर्म जल स्रोत हैं उससे हम कैसे एनर्जी को प्राप्त करें, कैसे वहाँ थर्मल प्लांट लगाए जाए, इसके संबंध में जो MOU साइन किया है गाइज वो किया गया है जय देवम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये याद रखना है आपको, जय देवम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। कब हुआ ये MOU साइन,
तो 23 सितंबर 2020 को वाडिया इंस्टीट्यूट और जय देवम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आपस में क्या किया, एमओयू साइन किया। क्यों किया? ताकि जोशीमठ तपोवन के पास जो गर्म जल स्रोत है उसमें हम क्या कर सके, थर्मल एनर्जी या थर्मल पावर प्लांट लगा सके। अगला, राज्य के पहले सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण कहाँ किया गया? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए पहला सिटी फॉरेस्ट का जो लोकार्पण किया गया गाइज, वो झाजरा वन रेंज देहरादून में किया गया। कहाँ पे? देहरादून। सिंपल है, पहला फॉरेस्ट लोकार्पण सिटी फॉरेस्ट देहरादून में बनेगा। देहरादून के अंदर झाजरा वन रेंज पड़ती है उसके अंदर। क्षेत्रफल आपको याद रखना है, क्षेत्रफल है इसका गाइज 50 हेक्टेयर। अन्य नाम की बात करें तो इसका आनंद वन भी बोला गया है, ठीक है। आनंद वन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आनंद वन भी यही है, झाजरा वन रेंज, इसी को सिटी फॉरेस्ट बोला गया है। लोकार्पण किया कब गया? 22 सितंबर 2020 को। इसमें साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है। तो उत्तराखंड के कौन से फॉरेस्ट में, या पहला सिटी फॉरेस्ट में क्वेश्चन बोलेगा कि कौन सा ट्रैक स्थापित किया गया है, साइकिल ट्रैक, बाइक ट्रैक, इस टाइप से, तो आपको याद रखना है साइकिल ट्रैक का। इसी पर जैसे ये परियोजना गाइस देहरादून में बनाई जा रही है, इसी पर बेस्ड हल्द्वानी और ऋषिकेश में भी सेम थीम बेस्ड सिटी पार्क का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला वाहन फिटनेस वही है जहाँ राज्य का दूसरा साइबर थाना खोला गया, और राज्य का दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर पर खुला था। रुद्रपुर के ही कल्याणपुर नामक जगह पर पहला वाहन फिटनेस सेंटर क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सर्वप्रथम हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की गई है? तो इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग होती क्या है सबसे पहले ये समझिए। बिना मिट्टी के खेती, पानी में, पानी वाली खेती को ही सीधे क्या बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट, पानी से बिजली। तो अगर हाइड्रो कहीं पर लगता है ना, तो हाइड्रो का मीनिंग ही किससे होता है, पानी से। तो हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में होता क्या है, बिना मिट्टी के केवल पानी में होने वाली जो खेती होती है उसी को हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग कहा जाता है। ये उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ के मूनाकोट ब्लॉक में इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। कितने किसानों के द्वारा? तो 50 किसानों के द्वारा इस टेक्निक से खेती की जा रही है अभी। तो आपको जिला याद रखना है, जिला कौन सा पड़ जाएगा, पिथौरागढ़। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 सितंबर 2020 की सूचना के अनुसार देश का पहला थैलेस गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है? तो गाइज थैलेस गार्डन पहला है ये, ठीक है। देश का पहला थैलेस गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में। और पिथौरागढ़ वही जगह है जहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स खेती क्या की जा रही है, किसानों के द्वारा की जा रही है। तो पिथौरागढ़ में जगह अगर आपको देखनी है तो मुनस्यारी तहसील में हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 279 प्रकार के थैलेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो जैसे UTU का नाम बदलकर वीर माधव सिंह भंडारी यूनिवर्सिटी किया गया, ऐसे ही संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर, अभी बदला नहीं है, ये जस्ट प्रोसेसिंग बात चल रही है कि बदल देना चाहिए, और उसका नाम जो रखेंगे ये रखा जाएगा उत्तरांचल संस्कृत संस्थान हरिद्वार, ठीक है। 8 सितंबर 2020 को ये सूचना जारी हुई थी, उसमें बोला गया था कि ये बदलने का सुझाव है, अभी ये पारित नहीं हुआ है। जैसे वीर माधव सिंह भंडारी वाला वो हो चुका है। अगला है क्वेश्चन, मोहन कुमाऊनी का 6 सितंबर 2020 को 68 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो मोहन कुमाऊनी नाम से ही आपको लग रहा है इनका संबंध साहित्य से था। कुमाऊनी साहित्यकार व कवि थे गाइजिए। गांव अगर पूछे आपसे कहां से था तो लोभ गांव, और लोभ गांव किस जिले में पड़ेगा, बागेश्वर जिले में पड़ेगा। प्रमुख रचनाएं अगर देखें, यह इंपॉर्टेंट बन सकती है रचनाएं गाइज, सांस्कृतिक घरोट, उमाव, मैं लिख देता हूँ अगर दिख नहीं रही है, उमाव, उसके बाद उड़ घुघुती, उड़ गंधांजलि, ठीक है, उड़ घुघुती, उड़ और गधांजलि, ये गधांजलि होगा गाइज, ऐसे होगा, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में एरर है, ये देख लीजिएगा, गधांजलि, उड़ घुघुती, घरोट, उपाव, सांस्कृतिक घरोट, ये सारे के सारे रचनाएं हैं, किसके द्वारा की गई हैं, मोहन कुमाऊनी के द्वारा,
जो साहित्यकार और कवि थे, बागेश्वर से इनका संबंध था और हाल ही में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सुधा पैन्यूली तथा केवल आनंद कांडपाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गाइज ये दोनों टीचर हैं और इनको क्या किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों नाम याद रखने हैं आपको, सुधा पैन्यूली जी और दूसरे हैं केवल आनंद कांडपाल, केवलानंद कांडपाल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, नंदा देवी लोकजात यात्रा में 2020 में कितने लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई। तो गाइज वैसे ये क्या होता है, देखिए नंदा लोकजात यात्रा में कोई मतलब नहीं होता कि इतने ही लोग जाएंगे, बट आपको पता है कोविड की वजह से इस बार कई क्षेत्रों पर कई यात्राओं को कम कर दिया गया, तो इस यात्रा में भी केवल 10 लोगों को सम्मिलित होने की क्या की गई थी, अनुमति दी गई थी। चमोली जिले में प्रत्येक वर्ष इसका क्या होता है, आयोजन होता है, किसका, नंदा देवी लोकजात यात्रा का। अगर बात करें इस यात्रा के बारे में गाइज, तो ये 265 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। 14 अगस्त 2020 को सिद्धपीठ कुरूण चमोली से चलकर 18 पड़ावों से, कितने पड़ाव पड़ते हैं, देखिए अगर क्वेश्चन पूछे नंदा देवी लोकजात यात्रा में टोटल कितने पड़ाव आते हैं, तो 18 पड़ाव आते हैं। कब शुरू हुई थी इस बार, तो 14 अगस्त 2020 को सिद्धपीठ, ठीक है, कुरूण चमोली में स्थान है वहाँ पर। 1 सितंबर 2020 को देवराणा मंदिर पहुंचकर ये क्या हुई, पूर्ण हुई। तो अंतिम पड़ाव जो पड़ता है वो देवराणा मंदिर में पड़ता है। देवराणा में जो नंदा देवी हैं ये 6 माह के प्रवास में रहती हैं। तो नंदा देवी लोकजात यात्रा में जो नंदा देवी होती है उनका जो 6 माह का प्रवास होता है वो किस स्थान पर होता है, ये आपसे पूछता है, तो आपको याद रखना है देवराणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हिमालयी क्षेत्रों के ग्लेशियरों को नज़दीक से अध्ययन करने के लिए जी बी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने एक लैब पिथौरागढ़ जिले के किस ग्लेशियर में बनाई है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पिथौरागढ़ जिले में के ग्लेशियर के पास किसने अपनी एक लैब की स्थापना की है। तो किसने की है गाइज, जी बी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने की है। ग्लेशियर का अगर आपको नाम देखें तो ग्लेशियर का नाम पड़ जाएगा मेवला ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, मेवला ग्लेशियर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको पिंडारी कफनी ग्लेशियर ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे स्थापना हुई है अभी एक लैब, तो यहाँ पे पूछेगा मेवला ग्लेशियर किस जिले से संबंधित है। तो किस जिले में स्थित है मेवला ग्लेशियर, पिथौरागढ़ में। और ये मेवला ग्लेशियर आते किसके अंदर है गाइस, तो पंचाचूली पर्वत की तलहटी पर है, ऊपर आपका पंचाचूली पर्वत पूरा का पूरा आ जाएगा, वहीं एक छोटा ग्लेशियर कौन सा मिलेगा आपको, मेवला। इसी स्थान पर राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने अपनी लैब को क्या किया है, स्थापित किया है। नेक्स्ट है, राज्य के किन दो लोगों को 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है गाइज, ये दो प्लेयर, एक हैं बास्केटबॉल के खिलाड़ी भृगुवंशी, ठीक है, क्या है नाम इनका, भृगुवंशी है, अर्जुन अवार्ड इनको मिला था 2020 में। दूसरे जसपाल राणा जी हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार निशानेबाजी के लिए दिया गया है। आपको पता होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार ये प्लेयर को ना मिलकर किसी कोच को दिया जाता है, ठीक है, जो भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं या प्लेयर्स के जो कोच जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये जसपाल राणा जी को मिला है और जसपाल राणा जी का संबंध उत्तराखंड से है। 74 खिलाड़ियों को दिया गया। अगर बात करें 2020 में कितने खिलाड़ियों को मिला, तो ये मिला है 74 प्लेयर्स को। अगला है ई लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार, जो सतत जल प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए दिया जाता है, राज्य में किसे दिया गया। तो गाइज ई लेट्स पुरस्कार दिया गया है कोसी पुनर्जनन महाअभियान को, ठीक है। कब, 29 अगस्त 2020 को ये पुरस्कार दिया गया। देता कौन है, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको दिया जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें कोसी अभियान को, फरवरी 2019 में राष्ट्रीय जल अवार्ड 2018 भी मिल चुका है। तो कोसी पुनर्जनन महाअभियान से आपको याद रखना है, एक 2020 में क्या मिला है, ई लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है, ठीक है। दूसरा 2018 का क्या मिला था गाइज, राष्ट्रीय जल अवार्ड भी इसी परियोजना को दिया गया था, इसी अभियान को दिया गया था। नेक्स्ट है, उद्यम सिंह नगर में पर्यटन के विस्तार हेतु किस क्षेत्र में 123 हेक्टेयर का चिड़ियाघर बनाया जाएगा।
तो 123 हेक्टेयर का चिड़ियाघर बन रहा है उधम सिंह नगर के किस क्षेत्र में? जसपुर क्षेत्र में। अब ऐसे ही देखिए गाइस, उधम सिंह नगर में ही 50 एकड़ का एक पक्षी विहार बनाया जाएगा। गुलर भोज में जल क्रीड़ा शुरू की जाएगी, ठीक है। इवन जल क्रीड़ा तो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, जो स्पोर्ट्स गेम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये याद रखने आपको तीन जगहों का नाम, जसपुर में 123 हेक्टेयर का चिड़ियाघर, 50 एकड़ का पक्षी विहार कहाँ पे, बाजपुर पे, और गुलर भोज में जल क्रीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 में उत्तराखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में कौन सा स्थान दिया गया? तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उत्तराखंड को मिला है तीसरा स्थान, ठीक है। इसी रैंकिंग में क्या है, नंद प्रयाग को देश भर की 1 लाख से कम आबादी के निकायों में प्रथम स्थान दिया गया है। साथ ही जो गंगा निकाय हैं, 92 गंगा निकायों में से गौचर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो एस्ट्रो विलेज के रूप में गाइड जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका बेनीताल गांव है, इसको एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को नई दिल्ली में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत का जो संबंध है वो किससे, किस क्षेत्र से है गाइस? भिकियासैंण, और भिकियासैंण आता है आपके अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर टैंक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन किया? तो टैंक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम जो लगाया गया है, ये लगाया गया है देहरादून में। अब बात करते हैं यहाँ पर बनेगा क्या क्या। तो देखिए, मेक इन इंडिया के तहत इसको स्थापित किया गया। T-90 और T-72 टैंक जो हैं, इनका निर्माण यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। T-90 एंड T-72 ये टैंक्स हैं, और इन्हीं का निर्माण कहाँ किया जाएगा? देहरादून स्थित इस फैक्ट्री में। अगला है, तिलु रौतेली पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितने रुपये बढ़ा दी गई है? तो तिलु रौतेली पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तिलु रौतेली को गाइज क्या कहा जाता है? जोन ऑफ आर्क, गढ़वाल की, झांसी की रानी। इसमें हम जो राशि बढ़ा दी गई है, वो राशि बढ़ाकर कर दी गई है 10,000 रुपये। 8 अगस्त 2020 को जन्मदिन पर इनको प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस बार की अगर बात करें 2020 की, तो 21 महिलाओं को दिया गया यह पुरस्कार, और 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। नई धनराशि हो कितनी गई है? 31,000 महिलाओं को और 21,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। इससे पूर्व जो थी ये गाइज 21,000 महिलाओं को दी जाती थी और 11,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। तो 2020 से ये राशि बढ़ चुकी है। कितनी बड़ी है? 10,000 रुपये, ये आपको याद रखना है। तिलु रौतेली से आपको याद रखना है, ठीक है। कत्यूरी, एक रामू रजवार नामक कत्यूरी सैनिक था, उसने इनकी क्या कर दी थी? पूर्वी नयार पर हत्या कर दी थी, और इस घटना को महाकलंक बताया गया है उत्तराखंड के इतिहास में। अगला है, डॉक्टर हिमानी भाकुनी, जिन्हें की जस्टिस इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर नीदरलैंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो आपको नेम याद रखना है हिमानी भाकुनी का, नीदरलैंड में ये प्रोफेसर बनी है गाइज यूनिवर्सिटी में, और इनका जो मूल स्थान आता है वो है नैनीताल जिला। नेक्स्ट है, गायक हीरा सिंह राणा जी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सरकार ने किसे गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जौनसारी भाषा अकादमी का द्वितीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अगर क्वेश्चन पूछे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा अकादमी का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो कौन हो जाएगा? हीरा सिंह राणा। तो इनका निधन हो गया, इनके निधन के बाद ये जो पद है ये दे दिया गया है मनवर सिंह रावत जी को। नेक्स्ट है, प्रोफेसर प्रदीप जोशी, जिन्हें 6 अगस्त 2020 को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो अभी UPSC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रोफेसर प्रदीप जोशी जी। 6 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति हुई। इनका संबंध है अल्मोड़ा के जोशी खोला ग्राम से। तो आपको याद रखना है जिला अल्मोड़ा, और अगर ग्राम पूछता है तो जोशी खोला। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हार्टी टूरिज्म के अंतर्गत राज्य के कितने उद्यान को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है? तो हार्टी टूरिज्म के अंतर्गत गाइज
चार उद्यान हैं जिनको विकसित किया जाएगा। अब ये चारों का नाम आपको याद रखना है, रामगढ़, धनौल्टी, खिरसू और चौबटिया। ठीक है, रामगढ़, धनौल्टी, खिरसू और चौबटिया। सूचना अगर बात करें तो सरकार ने 5 अगस्त 2020 को ये सूचना निकाली थी, उसी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व कृषि संगठन की माउंटेन पार्टनरशिप की रेसिपी बुक में किन पकवानों को स्थान दिया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यूएन पे कृषि संगठन की जो माउंटेन पार्टनरशिप रेसिपी बुक है उसमें उत्तराखंड के दो चीज़ों को क्या किया गया है, दो पकवानों को स्थान मिला है। एक है ठटवाड़ी और दूसरा चौलाई के लड्डू। याद रखने दोनों आपको, ठटवाड़ी और चौलाई के लड्डू को संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व कृषि संगठन की माउंटेन पार्टनरशिप की रेसिपी बुक में क्या दिया गया है, स्थान। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन के श्रमिकों ने अपने कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई पानी की खाली बोतलों से कमरा बनाकर तैयार किया है? तो गाइस, जो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके द्वारा चमोली में 22x12 फीट के रूम्स तैयार किए गए हैं, और ये जो रूम्स हैं ये उस प्लास्टिक से निर्मित किए गए हैं जिन बोतलों का निर्माण इनके कर्मचारियों ने किया था। तो ये चमोली में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर खोला जाएगा उत्तरकाशी। अब उत्तरकाशी में भी आपको याद रखना है, देखिए उत्तरकाशी में जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क, इसके अंदर इसको बनाया जाएगा। अगर बात करें किस कौन इसमें सहायता करेगा, तो जो सहायता करेगा गाइज वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत UNDP आती है, इसका प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सिक्योर हिमालय। सिक्योर हिमालय के तहत इस स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर को उत्तरकाशी में खोला जाएगा। नेक्स्ट, अगर इधर ही पर देखे गाइज एरिया की बात करें, तो एरिया है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड का। इस प्रोजेक्ट में खर्चा कितना आएगा, तो 5.30 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है कि इस पार्क को बनाने में लगेगा। नेक्स्ट, गढ़तांगली दर्रा राज्य के किस ज़िले में स्थित है? तो गढ़तांगली दर्रा पड़ता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में। ये दर्रा गाइज व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्व रखता था प्राचीन समय में, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, पेशावरों के प्रधानों द्वारा। 11,000 फीट की ऊँचाई पर यह दर्रा स्थित है, तो ये याद रखना है आपको। अगला, 31 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज की स्थापना के लिए कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए? तो गाइज ये स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज में क्या कराएगा, सिनेमा से रिलेटेड, फिल्म से संबंधित कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। तो ये सबसे पहला जो विद्यालय है ये बन गया है दून विश्वविद्यालय, देहरादून में स्थित है, और इसकी स्टार्टिंग किसने की, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। डेट याद रखनी है आपको, 31 जुलाई 2020। अगला, देहरादून के सिनेमाघरों से संबंधित पुस्तक देहरादून सिनेमाज किसकी पुस्तक है? तो देहरादून सिनेमाज पुस्तक लिखी गई है गोपाल सिंह थापा जी के द्वारा। देहरादून के जितने भी सिनेमाघर हैं उनसे रिलेटेड जितनी हिस्ट्री है उनकी, ये सारा इसमें कवरअप किया गया है। अगला है, राज्य में देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर व गोचर के लिए हेली सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ कब से किया गया? तो सबसे पहले ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किन दो स्थानों के मध्य होगा, टिहरी में श्रीनगर और गोचर के मध्य। डेट, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड में फैक्चुअल डेटा पूछता है एग्जाम्स में आपसे, तो डेट है 29 जुलाई 2020। ठीक है, अब ये शुभारम्भ किया किसने इसका, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है अभी हमारे, हरदीप सिंह पुरी जी, और राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके द्वारा, ये इनके द्वारा क्या किया गया इसका शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून से चिन्याली सौड़ के लिए हेली सेवा कब से शुरू की गई? तो देहरादून से चिन्याली सौड़ के लिए जो हेली सेवा शुरू की गई है ये फरवरी 2020 में इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार गाइज अभी वर्तमान में 27 हेलीपोर्ट क्या किए गए हैं, विकसित किए गए हैं। किसके तहत, अगर पूछता है कौन सी परियोजना के तहत ये हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार की जो योजना है उड़ान योजना, ठीक है, उड़ान योजना के तहत इसको क्या किया गया है, बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है,
किस हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जाएगा पंतनगर हवाई अड्डे को। और पंतनगर हवाई अड्डा किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ेगा आपका यूएस नगर। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के ऋण सीमा में कितनी वृद्धि की गई है? तो गाइज ये जो ऋण वृद्धि कर दी गई है कितने की कर दी गई है? 2 लाख रुपए की वृद्धि की गई है। पहले अगर देखें तो पहले इस योजना के तहत 1 लाख रुपए ब्याज मिलता था, लेकिन अब 2 लाख की वृद्धि हो गई है। तो अब वर्तमान में इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण किसान ले सकते हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नाम याद रखना है आपको, सुभाष चंद्र कोठियाल जी किस विभाग से संबंधित हैं? केमिस्ट्री, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। इनको एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया? तो सुभाष चंद्र कोठियाल जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन, 28 जुलाई 2020 को जारी टाइगर रिजर्व के बाघों की संख्या के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस पार्क में हैं? तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए गाइज? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अधिकतम यहाँ पर 266 और न्यूनतम जो है 231 बाघों के होने की बात कही गई है इस रिपोर्ट में। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट एशिया और भारत का पहला नेशनल पार्क था। 1936 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना। और उस टाइम पे इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। उसके बाद 1956-57 पे आपका क्या हो गया था? इसका नाम चेंज करके बना दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला है, शहीदों के सम्मान हेतु उत्तराखंड में किस स्थान पर पंचम धाम बनाया जाएगा? तो जैसे कि अभी आपको पता होगा उत्तराखंड में 4 धाम पड़ते हैं, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री और उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन आप 5वां धाम बनाएंगे, शहीदों के लिए बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसकी घोषणा की है देहरादून के सहस्रधारा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा की अनुमति किस तिथि को दी? तो गाइस 4 धाम के लिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के निवासियों को 1 जुलाई 2020 से इसकी अनुमति दे दी गई थी। लेकिन जो आउटर हैं, जो अन्य राज्यों के व्यक्ति हैं, उनके लिए 25 जुलाई 2020 से ओपन हो गए थे 4 धाम की यात्रा। अब यहीं पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंगोत्री के कपाट कब खुलते हैं, केदारनाथ के कब खुले? तो गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोले गए 26 अप्रैल 2020 को, केदारनाथ के 29 अप्रैल और बद्रीनाथ के 15 मई 2020 को कपाट खुले थे, जिसमें कि क्या कर सकते थे गाइज? श्रद्धालु जा सकते हैं। अगला, टिहरी में स्थित डोबरा चांठी सस्पेंशन पुल की लंबाई कितनी है? तो एक क्वेश्चन ये पूछेगा, डोबरा चांठी सस्पेंशन पुल कहाँ स्थित है? तो कौन से ज़िले में आ जाएगा? टिहरी। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 725 मीटर लंबाई है डोबरा चांठी पुल की। अगला क्वेश्चन, डोईवाला उत्तरकाशी रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो डोईवाला से लेके उत्तरकाशी तक जो रेलवे लाइन बिछ रही है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 122 मीटर। इस सुरंग में गाइज, इसकी जो डोईवाला उत्तरकाशी रेलवे लाइन है, इसमें आपको याद रखना है 23 सुरंग बनेंगी, 19 आपके ब्रिज होंगे और 10 क्या होंगे? स्टेशन होंगे। लागत की बात करें तो लागत है इसकी 24,000 करोड़ रुपये। सर्वे कब से स्टार्ट हुआ? तो 2018 में सर्वे प्रारंभ हो गया था और 2020 में जाके अब ये क्या हुआ है? ख़त्म हुआ है सर्वे। ये गाइज 122 गलत लिखा हुआ है, 122 किलोमीटर होगा, ये मीटर में नहीं होगा, ये क्या होगा? किलोमीटर, ठीक है, 122 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। साथ में क्या याद रखना है? 23 सुरंग 19 ब्रिज मैंने बता दिया आपको, लागत 24,000 करोड़, सर्वे कब से प्रारंभ हुआ? 2018 और ख़त्म कब हुआ? 2020 में। अगला है, उत्तराखंड के किस विभाग द्वारा हरेला पर्व के अवसर पर 16 जुलाई 2020 को 3 लाख पौधों का रोपण किया गया? तो गाइस 3 लाख पौधों का रोपण किया गया किसके द्वारा? तो राज्य वन एवं बागवानी विभाग के द्वारा। इसके अंदर भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो पौधे लगाए गए वो लगाए गए 9 लाख पौधे चंपावत जिले के अंतर्गत। साथ ही 1 घंटे में 3 लाख पौधे लगाए गए कहाँ पर? देहरादून पर। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको,
चंपावत में सबसे ज़्यादा पौधारोपण हुआ और 3 लाख पौधे रोपने का रिकॉर्ड हुआ देहरादून में। केवल 1 घंटे में इन पौधों को क्या किया गया, रोपित किया गया। अगला, देश की पहली रामायण वाटिका किस स्थान पर खोली गई है? तो रामायण पार्क भी कहा जाएगा गाइस इसे। ये खुली है हल्द्वानी में और हल्द्वानी आपका आता है नैनीताल ज़िले में। अब देखिए, उत्तराखंड वन विभाग के हल्द्वानी स्थित जैव विविधता पार्क भी कहाँ पर है, हल्द्वानी। इसी के एक हिस्से के रूप में इस रामायण पार्क को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। 1 एकड़ क्षेत्र में इसको विकास किया गया है। जनता के लिए कब से खुला है पार्क, तो 14 जुलाई 2020 से ये क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। अगला, केंद्र सरकार की नेट फेज 2 परियोजना के तहत उत्तराखंड के कितने जिलों तक इंटरनेट पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो गाइस, जो फेज 2 परियोजना है इसके तहत 12 जिलों तक क्या किया गया है, नेट पहुंचाने की इसके अंतर्गत योजना रखी गई है। इसमें 12 जिलों में भी अगर बात करें तो 65 ब्लॉक और 5991 गाँवों में ये परियोजना लाभान्वित होगी। और हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि हरिद्वार को फेज 1 में ही शामिल कर दिया गया था और हरिद्वार में बोला जा रहा है कि इसका काम हो चुका है। तो 12 जिले याद रखने हैं आपको, और 12 जिलों में कौन सा ज़िला नहीं है इसमें शामिल, तो हरिद्वार शामिल नहीं है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बद्रीस वन की स्थापना की जाएगी? तो नाम से ही देखिए बद्रीस है, तो बद्रीनाथ पर इसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। काम कब तक पूरा होगा इसका, तो 2024 तक ये पूरा होगा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, राज्य का पहला डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया गया? तो राज्य में पहला डॉपलर रडार केंद्र खोला गया, और ये कहाँ खोला है, मुक्तेश्वर नैनीताल के शीतोष्ण बागवानी में, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, दूसरा कहाँ खुलेगा, 3 ये टोटल खुल रहे हैं, टिहरी के सुरकंडा में, और तीसरा लैंसडाउन में। तो तीनों जगह याद रखने आपको, मुक्तेश्वर नैनीताल, दूसरा टिहरी के सुरकंडा में, और तीसरा आपका आ जाएगा लैंसडाउन। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने 1 जुलाई 2020 को किस परियोजना के तहत ई पोर्टल लॉन्च किया? तो गाइस, ई पोर्टल जो लॉन्च किया है 1 जुलाई 2020 को, वो उत्तराखंड के द्वारा, किसके लिए, शिक्षा के लिए, ठीक हो गया। शासकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों हेतु 2 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं इसमें। तो ये जो ई पोर्टल है गाइस, लाइब्रेरी एक टाइप की ऑनलाइन, इसमें 2 लाख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना, सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना कब लागू की? तो अगर बात करें उत्तराखंड में, तो 1 जुलाई 2020 से क्या हो चुकी है, लागू हो चुकी है। नेक्स्ट है, लवाली झील उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गाइस, लवाली झील ये है पौड़ी ज़िले में। अगर इसकी बात करें, 750 मीटर लंबी है और 17 नाली भूमि इससे क्या होगी, भूमि सिंचित की जाएगी। ये झील बनाई गई है अभी, इसीलिए खबरों में थी पौड़ी ज़िले में, ताकि इससे जो भी कृषि क्षेत्र है वो हमारा सिंचित हो सके। अगला है, 29 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की संख्या में कितने फीसदी वृद्धि पाई गई है? तो गाइस, 10% की वृद्धि पाई गई है, जो 2020 में क्या आई है, अभी रिपोर्ट आई है। अगर बात करें गाइस इसमें कितने हाथी हैं, तो 2026 हाथी। सर्वाधिक हाथी किस टाइगर रिजर्व में पाए गए, तो 1224 में पाए गए, टाइगर कौन से में, कॉर्बेट नेशनल में, ठीक हो गया। दूसरा आपको याद रखना है, देखिए टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कॉर्बेट में ही है। उसके बाद अगर हाथी कहाँ है, वो भी कॉर्बेट में है। इसी रिपोर्ट में गाइस, जो अन्य डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग, राज्य में 451 मगरमच्छ हैं, 77 घड़ियाल, 194 ठीक है, गणना 2020 से प्रारंभ हुई है, इनकी भी गणना क्या हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है गाइज। 194 उदबिलाव, ये याद रखना है आपको, उदबिलाव। नेक्स्ट है, जीत सिंह नेगी का 94 वर्ष में निधन हो गया, इनका संबंध था? तो गाइज, जीत सिंह नेगी का संबंध किससे था, संगीत से, और कहाँ से संबंधित है, ये देहरादून जिले से संबंधित है। अगला है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गाइज किसे बनाया गया है, गैरसैंण को। अब देखिए, इसमें डेट आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुख्यमंत्री ने घोषणा कब की, तो 4 मार्च 2020 को घोषणा की। जो अधिसूचना जारी हुई वो 20 जून 2020 को क्या की गई,
अधिसूचना जारी हुई, तो दोनों डेट आपको याद रखनी। अगला, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अभी ये कोरोना के बाद से खबर न्यूज पे थी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020 को क्या किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। इसमें है क्या गाइज, विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजनाओं पर क्या दिया जाएगा, 20 से 25% सब्सिडी के साथ ऋण दिया जाएगा। मतलब आपको लोन मिलेगा, इतनी सब्सिडी होगी 20 से 25%। अमाउंट याद रखना है, विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख। अगला है, उत्तराखंड की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सड़क सुरंग जो अभी कोरोना टाइम पे ही बन के तैयार हुई, चंबा, ठीक है, कौन से ज़िले पे पड़ती है, टिहरी में। क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जो सुरंग है ये किस टेक्निक पे बनी है, कौन से देश की टेक्निक पे बनी है? तो ऑस्ट्रेलियन टेक्निक का इसमें यूज किया गया है। लंबाई की अगर बात करें तो 440 मीटर लंबी सुरंग है ये, और उद्घाटन किसने किया, रोड मंत्री कौन है हमारे, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 25 मई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। अगला है, देश का पहला नेशनल पार्क जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, तो पशुओं के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनने वाला प्रथम नेशनल पार्क है गाइज आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल। 10 सेंटर यहां क्या करे गए हैं, खोले गए हैं। अगला है, नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो नारी शक्ति पुरस्कार 2019 का तासी एवं नुंगसी, ये दो बहनें हैं, इनको दिया गया है। दिया क्यों गया गाइस, तासी एवं नुंगसी का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है याद रखना है, क्योंकि इन्होंने 10 दुर्गम चोटियों को क्या किया है, फतेह किया है। देहरादून की ये दो जुड़वा बहनें हैं। अगला है, लिपुलेख दर्रे तक निर्माणाधीन सड़क का प्रारंभ कब किया गया था? तो जो लिपुलेख दर्रे तक, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, लिपुलेख दर्रे तक इंडिया ने क्या कर दी है, रोड बना के तैयार कर दी है। इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो स्टार्टिंग कब से हुई थी, 2003 से इस परियोजना को चलाया जा रहा था, ठीक है। गर्भाधार से लिपु पास तक 80 किलोमीटर की ये क्या थी, रोड थी। अगला है, मेजर सुमन ग्वानी का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो गाइज ये हैं टिहरी जिले के पोखर गाँव से, ठीक है। मेजर सुमन ग्वानी को मई में यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। तो याद रखना है, यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया, तो किसको, मेजर सुमन ग्वानी को, जिनका संबंध किस क्षेत्र से है, टिहरी जिले के पोखर गाँव से। अगला है, सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सवेरा फाउंडेशन की बात चल रही है, देखिए सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट संग्रहालय खोला गया है नरेंद्र नगर, और नरेंद्र नगर कहाँ आता है आपका, टिहरी में। उद्घाटन किया किसने, तो मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया 20 मार्च 2020 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला कोरोना केस कब पाया गया? तो पहला कोरोना केस जो आया था गाइज, ये 15 मार्च 2020 को आया था, और देहरादून के प्रशिक्षु आईएएस ऑफिसर थे ये। नेक्स्ट है, गति फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता करके राज्य में 11 प्लास्टिक बैंक स्थापित किए? तो सबसे पहले क्या बनेगा, 11 प्लास्टिक बैंक बनाए गए कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में। किसके साथ एमओयू हुआ उसके लिए, गति फाउंडेशन, ठीक है। तो गति फाउंडेशन और दूसरी जो है आईआईपी, ये आपको याद रखना है, आईआईपी फाउंडेशन और दूसरी गति, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। अब इस समझौते में है क्या गाइस, देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी को एक ऐसा प्लास्टिक कचरा उपलब्ध कराएगी जिससे आईआईपी में स्थापित संयंत्र में डीजल बनाया जा सके, ठीक है। मतलब मेनली जो ये एमओयू साइन हुआ है इसके लिए क्या बनेगा, प्लास्टिक से डीजल बनाने की ये मुहिम छेड़ी है। अगला है, देश की 5वीं साइंस सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो 5वीं साइंस सिटी कब कहाँ बन रही है, उत्तराखंड में। अगला है, कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकिलिंग प्लांट का शिलान्यास 9 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कहाँ किया गया? तो गाइज देखिए, कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकिलिंग प्लांट खोला गया है अभी हरिद्वार के सिडकुल में, ठीक है, हरिद्वार जो सिडकुल है वहीं पर इसका शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट,
2017-18 के लिए उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो खेल रत्न पुरस्कार 2017-18 का दिया गया है एथलीट मनीष सिंह रावत को। अगला, 2017-18 के लिए उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखिए खेल रत्न पुरस्कार मनीष सिंह रावत और द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, जो गुरुओं को दिया जाता है, जो कोचेस होते हैं एथलीट्स के, ये दिया गया है कोच अनूप बिष्ट को। ठीक है, एथलेटिक्स कोच है ये अनूप बिष्ट, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला है 2018-19 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए ऊपर वाला पुरस्कार 2017-18 था और ये क्या है आपका 18-19, तो 18-19 के लिए दिया गया है पैरा सटलर मनोज सरकार को। ठीक है, पैरा सटलर मनोज सरकार। अगला, सेम 18-19 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण कुमार सूद को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितने रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है? तो खेल रत्न पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें, एक ब्लेजर मिलता है, शॉल और प्रशस्ति पत्र। अगला, उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत कितने रुपये की धनराशि दी जाती है? तो जो एथलीट्स होते हैं उनको 5 लाख रुपये और जो कोचेस होते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए 3 लाख रुपये देती है सरकार। नेक्स्ट है, शैलेश मटियानी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गाइस शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर बात करें, प्रदेश में सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं, ठीक है, उनकी गुणात्मक सुधार लाने के लिए और उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष ये शिक्षकों को क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है शैलेश मटियानी पुरस्कार। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2020 को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो गाइज राज्य के 72 शिक्षकों को ये पुरस्कार 2019-20 के लिए प्रदान किया गया। अब बात करें अगर इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, तो आपको याद रखना है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार में 10,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है शिक्षकों को। अगला है, 25 जनवरी 2020 को देवकुंड आई पौड़ी की 11 वर्षीय राखी रावत को उसके अदम्य साहस के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के तहत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नेम आपको याद रखना है राखी रावत का, ठीक है, वीरता पुरस्कार के लिए इनको, वीरता के लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? मार्कंडेय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइज, क्यों मिला था इन्हें? तो अक्टूबर में 2019 में इन्होंने गुलदार से लड़कर अपने भाई की क्या की थी, जान बचाई थी, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला है, रूफ टॉप सोलर फेज 2 योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो रूफ टॉप सोलर फेज 2 योजना का शुभारंभ किया गया है 22 जनवरी 2020 से। है क्या गाइज, इसके अंतर्गत देखिए 10 किलोवाट तक का प्रोजेक्ट लगाकर फ्री में बिजली प्राप्त की जा सकती है। अब ये क्या है, फ्री में बिजली अगर आप प्राप्त कर रहे हो, मतलब बना रहे हो, तो जितना आपको चाहिए आप उतना यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो बच जाता है उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट 4.48 रुपये प्रति यूनिट की दर से आपसे क्या कर लेगी, खरीद लेगी। तो रूफ टॉप सोलर फेज योजना का संबंध किससे है, बिजली उत्पादन से है। 10 किलोवाट तक की बिजली का उत्पादन आप अपने घरों में या अपने क्षेत्र में कहीं पर भी खेतों में लगा सकते हैं। 4.48 रुपये प्रति यूनिट से सरकार बिजली को क्या करेगी, खरीदेगी। अगला, मिस उत्तराखंड 2020 का खिताब किसने जीता? तो मिस उत्तराखंड 2020 का खिताब जीता गया मोनाल के द्वारा। ठीक हो गया, इसमें क्या, अगर आपसे पूछे मिस्टर उत्तराखंड 2020 किसने जीता, तो गाइज मिस्टर उत्तराखंड 2020 जो जीता है वो जीता है सुबोध ने। इसको करवाता कौन है, मिस्टर इंडिया एंड मिस्टर मिस उत्तराखंड जो भी ये आपके आयोजन होते हैं, हिमालय बच के द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है। तो तीनों चीज़ें याद रखनी है, मोनाल लड़की का नाम, मिस उत्तराखंड, मिस्टर उत्तराखंड सुबोध को, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो हिमालय बच ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। अगला है, मुंबई से बने उत्तराखंड भवन, मुंबई में बने उत्तराखंड भवन जिसका उद्घाटन
15 जनवरी 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया को बनने में कितनी लागत लगी? तो गाइज इसको बनने में जो टोटल लागत लगी है 39.73 करोड़, और यह 12 वर्ष में बनकर क्या हुआ है, तैयार हुआ है। यहीं पर देखिए भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम आ रहा है, तो इनका संबंध उत्तराखंड से ही है और वर्तमान में अभी ये राज्यपाल हैं जैसे कि लिखा हुआ है। राज्यपाल से एक बात याद रखिएगा गाइज, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल देश में कहीं भी बन सकता है सिवाय उसके अपने स्टेट को छोड़कर, जिस स्टेट में उसका जन्म हुआ है उस स्टेट को छोड़कर वो किसी भी स्टेट का क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट है मेजर चित्रेश बिष्ट, जिन्हें मरणोपरांत 15 जनवरी 2020 को सेना मेडल दिया गया, का मूल संबंध किस जिले से है? तो मेजर चित्रेश बिष्ट ये आपके आते हैं अल्मोड़ा पीपली गांव से, इनका क्या था, संबंध है। नेक्स्ट है किस कस्बे को प्रदेश का पहला ODF खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस शहर घोषित किया गया? तो ODF प्लस प्लस शहर घोषित किया गया है टिहरी जिले के चंबा कस्बे को, ठीक है। कब ये घोषणा की गई, 10 जनवरी 2020 को। इससे पहले अगर देखिए, देखिए शौचालय के साथ साथ सेफ्टी टैंक व सीवरेज सिस्टम में सुधार हेतु मिला। ODF एक होता है प्लस, प्लस कब मिलता है, जब आपका शौचालय से मुक्त हो जाए कोई भी राज्य या कोई भी जिला। ODF प्लस प्लस में क्या होता है, शौचालय तो बन चुके हैं साथ ही उस शौचालय से जो सेफ्टी टैंक है और सीवरेज सिस्टम है उसमें भी अगर पूर्णतया सुधार हो चुका है तो उसको क्या मिल जाता है, ODF प्लस प्लस। तो ODF प्लस प्लस किसको दिया गया है, टिहरी के चंबा कस्बे को। अगर ODF प्लस की बात करें गाइस, तो ODF प्लस श्रेणी में पहला स्थान अगस्त मुनि को और दूसरा स्थान मुनि की रेती को क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो ODF प्लस अलग है, ODF प्लस प्लस अलग है, ये याद रखिएगा। अगला है स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड को कब ODF घोषित किया गया, खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है इसे, और ये डेट याद रखनी है आपको, 18 फरवरी 2018 को उत्तराखंड को ODF घोषित किया गया। अगला है जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जैविक कृषि एक्ट उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इसको बनाया है। विधानसभा में बिल कब पारित हुआ जैविक कृषि एक्ट, तो 6 दिसंबर 2019 को। फिर जब तक राजभवन से उसे मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक वो बिल नहीं बनेगा, तो राजभवन में इसे मंजूरी मिली 17 जनवरी 2020 को। दोनों डेटेस आपको याद रखनी है। अगला तृतीय खेल महाकुंभ का आयोजन देहरादून के किस कॉलेज में किया गया? तो गाइस तृतीय खेल महाकुंभ देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में क्या किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। कब से, 3 जनवरी 2020 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2 जनवरी 2020 को तुमकुर कर्नाटक में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी दो वर्ष 2017-18 का कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? तो गाइज कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, ठीक है, किसको, उत्तराखंड राज्य को, ये याद रखिएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इसको क्या किया, प्राप्त किया। तो किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, तो उत्तराखंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला विजयपाल सिंह राणा, जिन्होंने 1 जनवरी 2020 को भारतीय वायुसेना में महानिदेशक का पद ग्रहण किया, का संबंध किस राज्य के किस जिले से है? तो विजयपाल सिंह राणा, इनको 1 जनवरी 2020 को वायुसेना के महानिदेशक का पद दिया गया, इनका संबंध है टिहरी के नीलड़ा गांव से, ठीक है, टिहरी, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है गाइज 2020 के करंट अफेयर्स का, विपिन रावत, जिन्हें देश का प्रथम CDS बनाया गया, का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो इनका संबंध है पौड़ी के सैण गांव से। कब इनको प्रमुख पद पर थे, ये 31 दिसंबर 2016 से भारतीय थल सेना प्रमुख थे, उसके बाद इनको क्या बना दिया गया, देश का पहला CDS बनाया गया, पौड़ी से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। तो गाइज ये थे 2020 के कंप्लीट जनवरी से दिसंबर तक के आपके करंट अफेयर। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स और ये PDF दे दी जाएगी। मैं नंबर बता दे रहा हूँ, 8218642689, ठीक है।
मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइस तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।